बीते रोज वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत हुए बरसात ने यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। हर वर्ष की भांति नाले सफाई में मनपा के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद वसई विरार के अधिकांश भाग जलमग्न रहे, जिस पर आज जलभराव क्षेत्र का दौरा करने शिवसेना से सांसद राजेंद्र गावित उपस्थित रहे। उन्होंने वसई विरार के कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें सेंट्रल पार्क, ओसवाल नगरी व अचोले रोड का निरीक्षण किया। वहीं उनके साथ मनपा अधिकारी राजेंद्र लाड़ व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो लोगों की समस्याओं का जवाब देते दिखे। 25 आयरिश नंबर त्या ठिकाणी जे आमचं वॉल जे तोडलं कंपाउंड वॉल ते काय झालेलं नाही आहे। एक दुसरं आमची जी सेफ्टी टँक जी तोडली त्याच्या बदली आम्हाला तुम्ही जी दिली आहे आम्ही 48 मेंबर मध्ये ती पुरेसी होते का? मी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं त्या टायमाला, एवढी छोटी बनवली आहे। माझ्याकडे सगळे जुन्या सेफ्टी टँकचे मेजरमेंट आहेत, किती रुंद, किती खोल, किती हे अशा मी त्या तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टर किती वेळा सांगेल, ऐका माझं ऐका माझ्या माझं ऐका। आज आमचे मेंबर एवढे बोलत आहेत की हे सेफ्टी टँक आम्हाला 48 मेंबरला पुरते का? ज्यावेळी पावसाचं पाणी येतं त्या ठिकाणी काय अधिक जुनी आमची तशीच सोडलेली आहे, तशीच सोडलेली आहे। माझ्या माहितीनुसार ज्या ज्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी चेअरमननी त्यांना फोन केला, मला फोन, आम्ही त्या साईटच्या मोठी सेफ्टी टँक बांधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, एक मिनिट तुमचं बांधलं नसेल तर तुम्हाला बांधून देतो। वही इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का सांसद राजेंद्र गावित ने जवाब भी दिया। देखिए यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में बारिश गिरने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ यहाँ पे, काफ़ी मतलब जो पानी जो है हर जगह पे मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर मतलब वहाँ पे मतलब हाँ मतलब इस तरह से कंटिन्यू, चाहे मतलब विरार हो, चाहे नाला सोपारा हो, चाहे बसई हो, तो जो महानगर पालिका ने जिस तरह से ये ड्रेनेज का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका सही ढंग से जिस तरह से काम करना चाहिए दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। इसका रीजन ये है कि गए साल में भी यही सिचुएशन थी, ये साल में भी यही सिचुएशन। तो भाई मतलब आयुक्त से मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में जो मतलब जो बारिश के टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो नहीं होना चाहिए, और हमें हर जगह पे जाके हमारे जो शिवसेना के तरफ से हमारे जो एक्स कारपोरेट है, हमारे अपना शाखा प्रमुख है, उन्होंने कई जो हम अधिकारियों को साथ में लेके कई उन्होंने जो सूचनाएँ की है उसका सही ढंग से उसका अमल बजाना होना चाहिए। सर 2 साल पहले भी आप सेंटर पार्क में आए थे, जब ओसवाल और सेंटर पार्क में पानी भर गया था तभी आपने मनपा अधिकारियों से कुछ निवेदन किया था, और अभी भी आए तो उस वक्त वह जो नाला जो बनाया जा रहा था लगभग 43 करोड़ की लागत का, वो उस समय भी उसमें गति नहीं थी और अभी भी उस काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। नहीं नहीं देखो उसका जब ही गए साल में आए हमें अधिकारियों ने जो आश्वासित किया था उसका काफ़ी काम हो चुका है। हम अभी जस्ट मतलब हमने देखा, वो सेंट्रल पार्क में देखा, काफ़ी काम हो चुका है। अभी वहाँ पे जो अभी बड़ा मतलब ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज के लग के यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है वो गटर भी हमने उसको साफ करने को बोला है। इधर ठेकेदारों को जितना टाइम दिया गया था तो नाले बनाने के लिए वह टाइम कब का खत्म हो चुका है, तो जो उन फ्रेश ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए हमारे जो सिस्टम है जो यंत्रणा जो है मतलब उसका जो महानगर पालिका में काम करने वाले जो अधिकारी वर्ग है जब तक उसकी नीयत सही साफ नहीं होगी तब तक ये ऐसा चलने वाला है। लेकिन उसको अभी सरकार महाविकास आघाड़ी का है तो अभी हम उसको सही ढंग से उसको लाइन पे लाने का हम कोशिश करते हैं। तीनों आमदार होने के बावजूद एक भी समीक्षा बैठक नहीं हुई, एक भी संरक्षण बैठक नहीं हुई, महानगर पालिका के साथ बैठक नहीं हुई, यहाँ के स्थानीय आमदार ने क्या कहना है? देखिए कोई भी पॉलिटिकल हो या कोई भी अधिकारी हो उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति के अभाव से वो उस शहर का उस गांव का विकास नहीं हो पाता है, तो उनकी इच्छा शक्ति प्रबल न होने की वजह से ये सिचुएशन है।
नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।